सदर अस्पताल आरा में पिछले 3 दिनों से एक अज्ञात व्यक्ति जख्मी अवस्था में था, जिसकी सूचना पाते ही जनसेवा कार्यकर्ताओं ने अज्ञात जख्मी व्यक्ति का इलाज आरा सदर अस्पताल में किया। साथ ही अज्ञात व्यक्ति के परिजनों का पता लगाते हुए उसे आज बरेली के लिए श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन के माध्यम से भेजने का काम किया। इस कार्य में आरा रेलवे थाना अध्यक्ष सहनवाज खान एवं रेलवे स्टेशन सुपरिटेंडेंट बीके पांडे के सहयोग से इन्हें बरेली भेजने का कार्य संभव हुआ। कीड़े लग चुके हैं, जो कीड़े ऐसे ऐसे निकले हैं, नीचे गिरा गया, वहाँ देखिए। सदर अस्पताल में एक लावारिस अवस्था में जो एक अधेड़ उम्र के शख्स के काफी दिनों से यहाँ पर पड़े हुए थे, आज उनको बाहर भेजा जा रहा है। सदर अस्पताल की तरफ से क्या व्यवस्था दिया गया? जी देखिए, हमने अभी सुबह से आकर के इनको मतलब 2-3 दिन मतलब पहले से ही, कहने का मतलब है पहले से ही इनका इलाज हम करवा रहे हैं और सारे बैंडेज की व्यवस्था, ड्रेसिंग की व्यवस्था और दवा और सुई की व्यवस्था हमने करवाई इनको। और फिर जाकर के मैंने इनका वीडियो बनाया और वीडियो बना करके जो पुनीता मैडम है उनको हमने शेयर किया कि मैडम ये कहीं के रहने वाले हैं या नाम, क्योंकि वो भी इनके सहयोग भी, पुनीता मैडम का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है इस अस्पताल के अंदर और इनका भी सहयोग रहा है, दीपक जी का भी। तो अभी कहां लेकर जा रहे हैं? और ये लोग अभी इनके घर ले जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे ले जा रहे हैं, अभी बरेली जा रहे हैं ये, और इनके परिजन लोग भी मिल गए हैं और जाने के बाद इनकी वहाँ पर भी इलाज शुरू कर दिया जाएगी। पर्ची बता दीजिए। जी मनोज कुमार, अस्पताल प्रबंधक, सदर अस्पताल आ रहा। जो सदर अस्पताल में लावारिस अवस्था में पड़े हुए थे, इनको इलाज के लिए आज आप लोग कहाँ पहुँचा रहे हैं? इलाज के लिए नहीं पहुँचा रहे, बड़ी मुश्किल से कठिन मेहनत के बाद 3 दिन में इनके पारिवारिक जनों का पता लगा है, जो कि बरादरी बरेली के है, और वो वहाँ बरेली स्टेशन पे इनको रिसीव करेंगे। आज रेल थाना शहनवाज खान के सहयोग से और स्टेशन सुपरिटेंडेंट बीके पांडे के सहयोग से श्रमजीवी से हम इन्हें इनके घर भेज रहे हैं। यानी यहाँ से अस्पताल से? हाँ, यहाँ से इनको हम वो करके इनकी सारी बनम पट्टी इंजेक्शन वगैरह करा के पानी आप देखने चलवा दिया गया है। किसके किसके सहयोग से ये हुआ ये बताया जाए? ये आरा में बहुत सारे जनसेवी काम कर रहे थे, लेकिन 4 दिन पहले जब मुझे पता चला और इनकी कल भी किसी ने वीडियो रिकॉर्डिंग जब इस तरह से भेजा, तो खुद आके मैंने इंजेक्शन और सुई दवाई और मरम पट्टी सारा इनका करवाया। और बस मेरी एक यही चाहत है कि अपने परिवार से 6 महीने से ये बिछड़े हुए हैं लॉकडाउन 1 से, और आज इनका ये स्थिति है कि हम आपको बताते हुए भी दुख लग रहा है कि आरा के कुछ विशेष लोगों ने कोई सहयोग नहीं दिया हमें इस काम में। तो हॉस्पिटल में भी जो एम्स सिन्हा है वो डांट कर बोल रहे थे, नहीं पता भर्ती कर रहे थे, तब इनको लेकर हम लोग बरजोरी भर्ती किए और कड़ा हुए घुसाए तब भर्ती किए, पहले तो भर्ती नहीं कर रहे थे, उसके बाद हमको बोले कि ठीक है जाइए, सब इनको मास्क लगा कर अभी यानी इनको घर को पहुंचा जाने का। बस यहाँ आज हमारा उद्देश्य ये है कि एम्बुलेंस इसको स्टेशन और 11:20 वाली श्रमजीवी से इन्हें भेजा जाए। इस काम में सबसे विशेष महत्व देने वाले रेल थाना के शाहनवाज खान, सदर प्रबंधक मनोज कुमार जी, दीपक कुमार अकेला, आपके कुछ स्वयं सेवी भी है जिसमें क्या नाम, गुड़िया है, गुड़िया देवी है, ठीक है, आदित्य,